So hello guys, it's me. Welcome back to our channel. Okay, so today I'm gonna share my personal review about using tampons in period. In today's video, I'm gonna show you that what is tampons, how to use this tampon, and what are its advantages, what are its disadvantages. Also, my personal review about using tampons in periods. So these are the tampons which I bought from Amazon, and it was rupees 99 only. 99 mein they gave me 3 tampons with applicator. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी मैं आपको बता दूँ. एक तो पहले ये बॉक्स आएगा. अब इसमें 3 tampons आए थे यहाँ पे. Also there's a booklet. यहाँ पे एक booklet मिलती है आपको. दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन विच दे गिव. ये पूरा बुकलेट है जिसमें आपको मतलब सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है. सी सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस बुकलेट में रिगार्डिंग टैम्पॉन्स, रिगार्डिंग हाउ टू यूज़ टैम्पॉन. ओके, सो फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर माइंड आफ्टर सीइंग दिस बॉक्स इज हाउ डज टैम्पॉन लुक लाइक. इफ यू कैन सी, दिस इज व्हाट अ टैम्पॉन looks like with applicator. Now let's talk about what is tampon and how to use this tampon. Let's first talk about that. तो tampon क्या होता है? Tampon basically एक मटेरियल ही है, मतलब एक चीज़ ही है जिसको हम पीरियड्स में यूज़ कर सकते हैं. व्हेन यू आर इन पीरियड्स, लाइक जस्ट लाइक पैड्स, मतलब पैड्स को हम पैंटीज पे लगा के पहनते हैं, राइट? बट टैम्पॉन्स को वजाइना में हमें इंजेक्ट करना पड़ता है. डोंट बी स्कैर्ड, इट्स नॉट समथिंग टू बी स्कैर्ड. इट्स रियली ईजी टू यूज़ अ टैम्पॉन एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ रियली कम्फर्टेबल टू यूज़ टैम्पॉन. इट्स very, you know, you feel so free after using it. Now let's talk about how to use this tampon. Okay, so tampon use करने के लिए कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब it is very simple to use tampon. I will show you how to use it if you don't know. In case समझ लो कि this ये जो है this is a vagina hole, समझ लो for understanding. Now the thing is you have to insert this thing in this. Now I'll show you that. Okay, so सबसे पहले तो इसको मैं पीछे खींच लूँगी. जो एप्लीकेटर है उसको थोड़ा हम पीछे खींच लेंगे ताकि हम ये जो अंदर इसके अंदर जो टैम्पॉन है उसको अंदर पुश कर पाए. ओके ओके, नाउ I'll just push this. See, it's coming out. I'll just push this thing inside the vagina hole and this is done. मतलब this is done. अब इसको ऐसे ही इसको इसमें निकाल देना है. वन थिंग आई टेल यू अबाउट यूजिंग द टैम्पॉन्स, जब भी मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप न्यू हो, आपको पता नहीं है, तो याद रखना कि यू हैव टू इंसर्ट ऑल इनसाइड. मतलब थोड़ा सा भी सपोज़ कि अगर थोड़ा सा भी ऐसा बाहर रहेगा तो आपको पेन हो सकता है ओवर योर एरियाज़ एंड आपको इरिटेशन होगी, आपको चलना नहीं पाएगा, मतलब यू विल फील रियली अनकम्फर्टेबल. सो just push it all inside and not to worry, you can push it out with this thing like this, just like this after your usage. Okay, now the things which I want to share you about it is, पहले तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर स्कैर्ड कि मतलब क्या होगा अगर अंदर अगर वजाइना के अंदर गुम हो गया होगा तो क्या होगा, मतलब अगर स्ट्रिंग इसका स्ट्रिंग से पुल ऑफ नहीं हो रहा है तो क्या होगा. बट इट्स रियली समथिंग वेरी सिंपल. अगर आपने अंदर परफेक्टली पुश कर दिया है दैन देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट. वो अंदर ही रहेगा, मतलब कुछ नहीं होगा. इवन इफ़ यू वॉक, इवन इफ़ यू स्लीप, इवन इफ़ यू जंप. नाउ मैं बता दूं आपको कि आपको इसे सिर्फ 6 to 8 आवर्स तक यूज़ करना चाहिए. मेन थिंग जैसे कि हम सैनिटरी पैड्स को 3 to 4 आवर्स, मैक्स 6 आवर्स, 3 to 4 आवर्स यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही टैम्पॉन्स को भी मैक्स 8 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं. अब इसके एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस. ओके, एडवांटेजेस तो बहुत ही ज़्यादा है. तो पहला एडवांटेज हम कंपेयर करते हैं. चलो, एक पैड है, एक नॉर्मल पैड है एंड एक टैम्पॉन है, ठीक है? तो पैड जब हम यूज़ करते हैं तो उसके कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स की वजह से हमारा जो इनर थाई है वहाँ पे इरिटेशन होने लगती है, मतलब यू नो इचिंग होती है एंड वो सब चीज़ें होती है। उसी की जगह पे जब हम टैम्पॉन्स पहनेंगे तो ना इरिटेशन होने वाली है ना इचिंग होने वाली है। दैट एरिया इज़ कम्प्लीटली सेफ। दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। नाउ सेकेंड थिंग, जब भी हम पैड पहनते हैं तब एक और चीज़ हो जाती है कि इचिंग तो होती ही है, वहाँ पे इनर एरियाज़ में आपको रैशेस भी हो जाएंगे कुछ मटेरियल्स की वजह से। उनके कुछ ऐसे प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं जिनसे हमें रैशेस हो जाते हैं एंड बाद में मतलब वो रैशेस मतलब हम ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। लाइक इट हिंडर्स यू। ओके, तो जब आप टैम्पॉन्स यूज़ करेंगे तब ऐसे कोई भी रैशेस होने ही नहीं वाले हैं क्योंकि वहाँ पे मटेरियल ऐसा कुछ होगा ही नहीं। द थिंग विल बी इनसाइड योर वजाइना। थर्ड एडवांटेज इज़ आपको पैंटीज़ पे लगाना पड़ता है अपने पैड एंड आपको ये डर रहता है कि मतलब कहीं स्टेन लग गया हो तो क्या होगा, मतलब रेड स्पॉट हो जाएगा, कपड़े बिगड़ जाएंगे। मतलब कुछ लड़कियाँ 2 पैड्स लगा के घूमती है जस्ट फॉर द सेक दैट कहीं स्टेन ना लगे, राइट। तो टैम्पॉन्स पहनोगे तो क्या होगा कि ब्लड आपके वजाइना से बाहर ही नहीं आने वाला है, राइट। तो मतलब वो बाहर ही नहीं आएगा तो ना ही स्टेन लगेगा ना ही कुछ होगा। अगर फिर भी आपको डर लगता है कि अगर ब्लड बाहर आ गया मतलब, तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी पैंटीज पे पैंटी लाइनर लगा सकते हो। रियली सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। स्टेन का जो मतलब जो इश्यू रहता है वो स्टेन वाला इश्यू नहीं रहेगा। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जब भी आप पैड पहनते हो तब आपको अपने मतलब उस एरिया में आपको वेटनेस लगता है कि मतलब आपको फील होता है कि देयर इज़ समथिंग आई एम वेयरिंग, देयर इज़ वेटनेस अराउंड द एरिया, आपको ऐसा कुछ लगता है, राइट। जब आप टैम्पॉन्स पहनोगे तो आपका जो एरिया होगा यू एंड गोना फील एनी वेटनेस ओवर द एरिया, ओवर द इनर एरियाज, राइट। तो यही है 4 एडवांटेजेस ऑफ टैम्पॉन्स। डिसएडवांटेज तो देखो सबके होते हैं, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि आप 8 आवर्स से ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना चाहिए, तो ये मेन इसका डिसएडवांटेज है। तो यही टैम्पॉन्स के एडवांटेजेस हैं, टैम्पॉन्स के डिसएडवांटेजेस भी है। बट इन कंपैरिजन टू पैड, टैम्पॉन इज़ रियली सेफ एंड इट्स रियली कंफर्टेबल थिंग विच यू शुड स्टार्ट यूजिंग। ओके, सो माई पर्सनल रिव्यू अबाउट टैम्पॉन। पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरे को ना बहुत नर्वसनेस हो रही थी वाइल यूजिंग द टैम्पॉन, क्योंकि यू नो एवरीवन फर्स्ट टाइम जब पैड पहना था तभी भी ये वाला नर्वसनेस हुआ था। एंड जब फर्स्ट टाइम आप कुछ चीज़ ट्राई करते हो तो आप लोग को नर्वसनेस तो होता ही है, बट एक एक्साइटमेंट भी थी कि लाइक इफ़ इट्स गोना वर्क, I'm just gonna jump over it and I'm just gonna use it over and over and over. तो 5 hours के लिए मैंने सबसे पहले तो यूज़ किया, उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, मैंने उसको बताया कि मैंने यूज़ किया and I did every daily work which I do on the normal days. वो हर एक काम किया जो अपने normal days पे करती हूँ and I was like, am I wearing something? क्या मेरे अंदर कुछ रियली में है? And then I realized कि मतलब हाँ it's really comfortable. I was feeling like I'm wearing nothing. मुझे तो ऐसा ही लग रहा था personally. I was feeling like there's nothing which I am wearing and I really liked it कि मतलब आप बिना किसी केयर के, बिना किसी मतलब इचिंग या वेटनेस या कोई भी ऐसे सिचुएशन के आप ऐसी चीज़ अपने अंदर पहन सकते हो। मैंने सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था about the tampon. And that's all for today's video. I hope you liked the message from this video, like how to use, what are the disadvantages, advantages, what is tampon, ये सारी जो basic चीज़ है, आपको ये message मेरे video का अच्छा लगा हो। And अगर आपको अच्छा लगा हो तो please give me a big thumbs up. Also subscribe to my channel. And now see you in the next video. Till then, bye bye. Sarange.